हाय हेलो गाइस, आई एम महावीर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कैलेंडर डॉट कॉम। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म व्हाइट टाइगर की। तो भैया व्हाइट टाइगर, पहले कम शब्दों में इसकी स्टोरी के बारे में आप समझ लीजिए। एक गरीब हिंदुस्तानी जो बड़े आकाओं के पास जॉब करता है और वो चाहता है कि अपनी चालाकी और अपनी बुद्धि से मैं इनसे ऊपर चला जाऊं, इस प्रकार की कुछ स्टोरी है जो आपको देखने में मजा आएगा। ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आप जाकर के जल्दी से इसे देख सकते हैं। वैसे मैंने देखा है, मुझे बहुत पसंद आई, आपको आए या ना आए ये मैं कह नहीं सकता। और इस फिल्म में तीन मुख्य किरदार हैं जिनके ओरिजिनल नेम राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव। आदर्श गौरव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि शायद आपको बहुत अच्छे से जानकारी ना हो। वैसे ये गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, साथ ही में इन्होंने बॉलीवुड में कम से कम 50 से ज्यादा एड फिल्मों में काम किया है और कई फिल्में भी की हैं, जिसमें एक श्रीदेवी की मॉम फिल्म्स का भी जिक्र कर देता हूं, और मुंबई ड्रामा स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं। तो ये तो रही स्टार कास्ट। अब बात कर लेते हैं भैया फिल्म की रिलीज डेट की। तो फिल्म की रिलीज डेट यूं तो हमें पता लगी है 22 जनवरी 2021, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भैया, आजकल इधर या उधर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, कर लीजिए, वैसे भी करते ही रहते हैं। लॉकडाउन के बाद कई फिल्में देखने का मौका नहीं मिला, तो नई फिल्म का इंतजार करने के लिए थोड़ा सा तो इंतजार आपको करना पड़ेगा। और ये इंतजार इंतजार मैंने इतना बोल दिया है कि आप बोर हो सकते हैं। इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखते रहिए बॉलीवुड कैलेंडर.com और प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।